हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर ममता राठी आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं बजट के सॉल्व प्रॉब्लम अब तक हमने सेल्स बजट प्रोडक्शन बजट के सॉल्व प्रॉब्लम देख लिए हैं साथ ही साथ कैश बजट के भी प्रॉब्लम देख लिए हैं आज हम देखेंगे परचेस बजट का सॉल्व प्रॉब्लम तो चलिए शुरू करते हैं परचेस बजट के के सॉल्व प्रॉब्लम साथ सबसे पहले हम रीड करेंगे हमारी क्वेश्चन को द सेल्स डायरेक्टर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिपोर्ट्स दैट नेक्स्ट ईयर ही एक्सपेक्ट टू सेल फिफ्टी फोर थाउजेंड यूनिट ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट द प्रोडक्शन मैनेजर कंसल्ट द स्टोर कीपर एंड कास्ट सीज फिगर्स एज फॉलोज The kind of raw materials A and B are required for manufacturing the product. Each unit of product required 2 units of A and 3 units of B. Estimated opening balance at the commencement of the next year finished product is 10,000 units, A, 12,000 units, B, 15,000 units. The desirable closing balances at the end of the next year are finished product 14,000 units, A, 13,000 units. एंड बी सिक्सटीन थाउजेंड यूनिट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मटेरियल परचेस बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि सेल्स डायरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर में हम लोगों को फिफ्टी फोर थाउजेंड यूनिट जो है वो सेल करने हैं प्रोडक्शन मैनेजर स्टोर कीपर के साथ कंसल्ट करके उसकी जो फिगर्स है उसको कास्ट कर देता है और वो बताता है कि हमारे सेल्स के लिए या फिर हमारे प्रोडक्शन के लिए हमें ए एंड बी काइंड के रॉ मटेरियल्स लगने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो जो मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं फिफ्टी फोर थाउजेंड यूनिट्स का जो इस्टीमेटेड है हमारा उसके लिए हमें ए रॉ मटेरियल जो है उसके दो यूनिट्स लगेंगे और बी रॉ मटेरियल जो है उसके तीन यूनिट्स लगेंगे तो फिफ़्टी फोर थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू करना पड़ेगा और फिफ़्टी फ़ोर थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय थ्री करना पड़ेगा इस्टीमेटेड ओपनिंग बैलेंस हमें दिए हुए हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी के साथ ही साथ हमें हमारे पास डिज़ायरेबल क्लोजिंग बैलेंस भी है फिनिश्ड प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ए एंड रॉ मटेरियल बी का तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हमारे मटेरियल परचेस बजट के साथ अब ये जो मटेरियल परचेस बजट है ये है क्वांटिटेटिव अब सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा फॉर्मेट फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम जो हमारा बनेगा वो है पर्टिकुलर्स का सेकेंड कॉलम में हम लिख देंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो कि है यूनिट्स में एंड नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा हमारे रॉ मटेरियल्स का जिसमें हमारे ए रॉ मटेरियल है यूनिट्स में एंड बी रॉ मटेरियल है यूनिट्स में तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट uh, ईयर में प्रोडक्शन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोडक्शन बजट जो है वो हमारा है फिफ्टी फोर थाउजेंड यूनिट्स का अब फिफ्टी फोर थाउजेंड यूनिट्स का प्रोडक्शन बजट है जिसमें हमें बताया गया है कि फ़िफ्टी फोर थाउजेंड के फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के बनाने के लिए ए रॉ मटेरियल जो है वो टू uh, यूनिट्स लगने वाले हैं यानी कि फ़िफ्टी फोर थाउजेंड प्रोडक्ट्स के लिए टू यूनिट्स ईच प्रोडक्ट के लिए दो यूनिट्स लगने वाले हैं तो फिफ्टी फोर थाउजेंड इंटू टू अमाउंट हो जाए यूनिट्स हो जाएंगे हमारे वन लैक एट थाउजेंड के एंड बी यूनिट्स जो लगने वाले हैं वो है बी रॉ मटेरियल्स थ्री यूनिट्स तो फिफ्टी फोर थाउजेंड इंटू थ्री हमारे यूनिट्स बन जाएंगे वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन बजट है उसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट यूनिट्स में हमारे पास बनाएंगे हम फिफ्टी फोर थाउजेंड मैनुफैक्चर करेंगे जिसके लिए रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत है ए यूनिट की वन लाख एट थाउजेंड एंड बी यूनिट की वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड की अब ये जो प्रोडक्शन बजट है इसमें हम हमारा ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर देते हैं तो ऐड ओपनिंग बैलेंस जो कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया है फिनिश्ड प्रोडक्ट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो है टेन थाउजेंड यूनिट्स का रॉ मटेरियल ए का ओपनिंग बैलेंस है ट्वेल्व थाउजेंड यूनिट्स का एंड रॉ मटेरियल बी का ओपनिंग बैलेंस है फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट्स का तो हमारे प्रोडक्शन बजट में हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है उसे हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है सिक्सटी फोर थाउजेंड फिनिश्ड प्रोडक्ट की वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ए मटेरियल की एंड वन लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड बी बी यूनिट्स की अब इसमें से हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी है उसको हम माइनस कर देंगे सो लेस क्लोजिंग बैलेंस फोर्टीन थाउजेंड फिनिश्ड प्रोडक्ट का थर्टीन थाउजेंड ए मटेरियल एंड सिक्सटीन थाउजेंड यूनिट्स बी मटेरियल के ये इंफॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम में दी गई थी अब इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो इस्टीमेटेड सेल प्रोडक्ट्स होंगे हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट उसकी जानकारी हमको मिल जाएंगी तो फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो इस्टिमेटेड सेल्स है वो है फिफ्टी प्रोडक्ट्स का फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स का और ए मटेरियल एंड बी मटेरियल है उसे हम सेल नहीं करते उसे हमें परचेस करना होता है तो इस्टीमेटेड परचेस ऑफ मटेरियल्स जो है ए मटेरियल एंड बी मटेरियल का वो बन जाएगा वन लाख सेवन थाउजेंड यूनिट्स एंड वन लाख सिक्सटी वन थाउजेंड यूनिट्स यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हम सेल स्टीमेशन कर रहे हैं वो है फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स और रॉ मटेरियल जो परचेस हम कर रहे हैं तो मटेरियल परचेस बजट जो है ए मटेरियल का वो है वन लैख सेवन थाउजेंड यूनिट्स एंड बी मटेरियल का है वन लाख सिक्सटी वन थाउजेंड यूनिट तो इसी तरह से हमारा मटे मटेरियल परचेस यहाँ पर हमने बना दिया है सारी इन्फॉर्मेशन जो थी हमारी प्रॉब्लम की उसे हमने बस एक फॉर्मेट में ला लिया है और प्लस एंड माइनस के सीक्वेंस uh, के हिसाब से हमने उसको एक्सेस कर लिया है और हमारे मटेरियल परचेस बजट के अमाउंट को निकाल दिया है ये वाला जो मटेरियल परचेस है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमने बनाया था तो फ्रेंड्स ये मटेरियल बजट का प्रॉब्लम हमारा बनकर रेडी है हम लोग फिर मिलेंगे मटेरियल बजट के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ तब तक के लिए जुड़े रहिए हम फिर मिलेंगे Thank you.